मिले आवे छोटा भरा दीजा अच्छा ये हिलो में तेरी दमस्ते को है जले पुलिस सबसे रखा करके पुलिस ने चले तो मां पुलिस बराबर आप लोग जो भी देख रहे हैं ना ज्यादा से ज्यादा लोग दूर जाएं और मैं लाइव इसलिए आया हूं कि ये सामने जो बच्चा दिख रहा है ये नेपाल से आया हुआ है और नेपाल से आया है किसके साथ आया है कोई जानकारी नहीं है और ये सही से अपना घर का पता वगैरह भी नहीं बता पा रहा है घर का जो अपने पिताजी का नाम वगैरह भी नहीं बता पा रहे हैं और अपने रिश्तेदार लोगों का भी नाम नहीं बता पा रहे हैं कहाँ से आए हैं ये भी नहीं बता पा रहे हैं तो वीडियो को लाइव को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके जितने भी जानने वाले होंगे नेपाल में आसपास के जो भी रिश्तेदार होंगे सब तक पहुंच जाएगा तो हो सकता है कि उनके माँ बाप को उनके पिताजी को इनका पता मालूम हो जाए तो ये घर तक पहुंच जाएगा। ये सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम है इनके द्वारा जो है आप लोग इनको मदद कर सकते हैं। सभी लोग है ना शेयर कर दीजिए और ये देखिए जो बच्चा सामने है ये अभी फिलहाल जो है बहादुरगंज थाना क्षेत्र का आजाद चौक है जो नेशनल हाईवे है वहाँ पर है। ये सिर्फ इतना बता रहा है कि कोई भाई है उसके साथ आया था वो लाके इसको छोड़ दिया है क्यों लेके आया था वो भी नहीं बता पा रहा है और हिंदी इसको सही से बोलना भी नहीं आता है नेपाली में बोल पाता है लेकिन सही सही बता ही नहीं पा रहा है कि कहाँ घर है इसका। तो मेहरबानी करके आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहले शेयर कीजिए ताकि सब कोई देख पाएगा और हो सकता है कि कोई नेपाल से भी अगर कोई देखे तो इनका पता मालूम हो जाए और कुछ देर में बहादुरगंज थाना पुलिस को जो है सूचना दी गई है उनके हवाले कर दिया जाएगा वो वहाँ जब तक रहेंगे और जो भी अगर इनको जानते हैं या पहचानते हैं सीधा बहादुरगंज थाना आकर के इनसे संपर्क करके थाना से और इनका जो भी जान पहचान परिचित हैं रिश्तेदार हैं वो तो बहादुरगंज थाना आ सकते हैं। किशनगंज जिला है बहादुरगंज थाना। छोटू नाम बोलो ना नाम क्या है हाँ पूरा बोलो ना पूरा बोलो कसके बोलो बेटा नाम बताओ। रोहन रोहन क्या थापा क्षेत्रीय क्या लिंबू लिंबू रोहन लिंबू बोल रहा है रोहन लिंबू नाम है। और पापा का नाम प्रेम लिंबू प्रेम लिंबू लड़का अभी ये बोल रहा है इसका नाम रोहन लिंबू है और पापा का नाम क्या बोले प्रेम प्रेम लिंबू टाइटल लिंबू है। कहाँ का है ये नहीं बता पा रहा है। घर का नाम मालूम है घर का गांव को गांव को कसके बोलना कसके आवाज दे गांव गांव घर कहाँ है कहाँ गांव को नाम की हो तिम्रो अम्मा को नाम श्रीमती श्री माया श्री माया और भाई हुई है तुम्हारा भाई बहन है बैठो भाई है नहीं है बहन दीदी कहते तुम्हारा दीदी का एज लगभग 8 साल होगा 8 से 10 साल का लड़का है। इधर जोर से थोड़ा आवाज देख के बोलो तुम्हारे माँ बाप मिल जाएगा तुम्हें घर पहुँच जाओगे तो अच्छा रहेगा ना घर जाना है घर घर जाओगे ना तो थोड़ा ये कैमरा की तरफ मुंह करो हमारा घर वाले की तरफ जाएगा बोलो सही से पापा देखेगा पापा बोलो ना कुछ बोलो अपना पापा को बोलो पापा को पापा आने के लिए बोलो अपना मम्मी का नाम बोलो कसके बोलो हो गया हूं बोलो नेपाली में बोलो ना नेपाली में बोलो कि हम यहाँ आ गए भटक करके आए हैं। हाँ क्या बोलोगे अपना घर वाले को बुलाओगे नहीं अपना मम्मी को पापा को पापा है ना घर में उसको बोलो आने के लिए घर
घर का नंबर याद कर बेटा। लाल चौक में है।